आज की इस मॉडर्न दुनिया की बड़ी बड़ी इमारतें, इम्प्रूव होती टेक्नोलॉजी और खतरनाक हथियार को देखकर हम सब एक ही चीज़ बोलते हैं, वाओ। और अगर हम एक चीज़ पर ध्यान दें कि आज की ये सभी मॉडर्न चीज़ें मशीन्स, टेक्नोलॉजी और इंसानी दिमाग का यूज़ करके बनाई गई हैं, मगर आज भी हमारे बीच कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनकी बनावट या फिर बनाने का तरीका आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब तक नहीं समझ पाई है। इस मॉडर्न दुनिया में ऐसे बहुत से मॉन्यूमेंट्स, मंदिर और स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अपने समय से काफ़ी आगे की टेक्नोलॉजी से बनाए हुए लगते हैं। उससे भी कई ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि कई सारी ऐसी चीज़ें हमारे वेदों में लिखी हैं जिन चीज़ों को आज की साइंस ने इतना डेवलप होने के बाद बताया या खोजा है। कुछ मॉन्यूमेंट्स की बनावट और उनको बनाने में यूज़ किए जाने वाले मटेरियल्स आज भी वैज्ञानिकों को सोच में डाल देते हैं कि आखिर इतने साल पहले कैसे इन मटेरियल्स को यूज़ किया होगा। और कुछ जगह ऐसी भी मिली हैं जहाँ पर यूज़ किए गए मटेरियल पहचान में ही नहीं आ पाए हैं। इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए और वेदों में लिखी उन अनगिनत चौंकाने वाली बातों को समझने के लिए हमें उस समय की सारी बातों को समझना होगा। आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे उस समय में, जिस समय में इन रहस्यमय मॉन्यूमेंट्स और मंदिरों का निर्माण हुआ था, उस समय में जब वेदों को लिखा गया था। आज के इस वीडियो का मकसद आपको भारत के उस महान अतीत के बारे में जागरूक करने का होगा, जिसे सुनने के बाद आप भारत और भारत के उस भव्य अतीत पर गर्व करेंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले बड़े जोश और सम्मान के साथ कमेंट सेक्शन में मेरा भारत महान लिख दीजिएगा। और अब आपको लेकर चलते हैं उस समय में जब इन अनोखे और वैज्ञानिक तौर तरीकों से बनाए गए मंदिर और मॉन्यूमेंट्स बने थे। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर में। इस मंदिर की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये मंदिर सिर्फ एक पत्थर से बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया था, इसका पता अब तक नहीं चला है। पर इन सबसे अलग और चौंकाने वाली बात यह है, इस मंदिर को ऊपर से नीचे बनाया गया है। और ऐसा काम केवल हथौड़े और छोटे मोटे टूल से करना एक तरह से असंभव है। आज की तारीख में भी शायद ऐसी सटीक कार्विंग मशीन्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से भी ना बन पाए। अब अगले नंबर पर हम अपने वेदों में दर्शाई गई एक बात के बारे में बताएंगे, पर उससे पहले आती है नंबर 108 की बात। आप सही सुन रहे हैं, नंबर 108 यानी 108 अपने आप में एक रहस्यमय नंबर है। गौर करने वाली बात यह है कि मंत्रों का जाप 108 बार होता है। माला में 108 बीट्स होती हैं। मून से अर्थ की दूरी मून के डायमीटर की 108 गुना होती है। वैसे ही सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस भी सन के डायमीटर का 108 गुना होता है। दरअसल 108 का मीनिंग है यूनिटी एंड होलनेस ऑफ एग्जिस्टेंस। आज से हजारों लाखों सालों पहले हमारे सोलर सिस्टम का जिक्र कर दिया गया था। और आपने पढ़ा होगा कि पहले हमारी पृथ्वी को फ्लैट माना जाता था, पर अगर आपने विष्णु जी के वराह अवतार की पौराणिक पेंटिंग्स या मंदिरों पर की गई उनकी कार्विंग्स को गौर से देखा होगा तो आप बिल्कुल दंग रह जाएंगे। उन तस्वीरों और कार्विंग्स में विष्णु जी के वराह अवतार ने पृथ्वी उठाई हुई है और पृथ्वी का आकार गोल नजर आएगा। ये एक सोचने वाली बात है कि आपसे इतने हजारों साल पहले कैसे पृथ्वी का शेप पता लगा होगा। अगर आप हनुमान चालीसा पर ध्यान दें, जिसे तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में लिखा था, तो उसमें एक लाइन है, युग सहस्त्र योजन पर भानु। इस लाइन में पृथ्वी से सूरज की दूरी बताई गई है और ये डिस्टेंस 16वीं शताब्दी में बताई गई थी, जो कि आज के मॉडर्न साइंस द्वारा निकाले गए डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात हुई, 16वीं शताब्दी में कैसे इतने सटीक कैलकुलेशन से सन और अर्थ के बीच की दूरी पता लगाई जा सकी। जिन लोगों को इस लाइन का अर्थ अभी भी नहीं समझ आ रहा है, उनके लिए इस लाइन को एक बार विस्तार से समझाते हैं। दरअसल एक युग होता है 12,000 साल, एक सहस्र का मतलब होता है 1,000, और एक योजन होता है 8 माइल। और इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई करें, मतलब 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8, तो ये आता है 9,60,00,000 माइल्स। और एक माइल होता है 1.6 किलोमीटर, तो अगर हम इसे किलोमीटर में बदलें तो इसका आंसर होगा 15,36,00,000 किलोमीटर। अब ये था उस समय के हिसाब का कैलकुलेशन। और अगर हम बात करें मॉडर्न साइंस के द्वारा बताई गई डिस्टेंस के बारे में, तो वो लगभग 15,00,000,000 किलोमीटर आता है ना चौंकाने वाली बात। अब इसके बाद फिर से आपको एक दो मॉन्यूमेंट्स के बारे में बताते हैं जिन्हें इतना साइंटिफिकली डिज़ाइन किया गया है कि उनके पीछे का साइंस आज भी काम करता है। इसी बात को समझाने के लिए हम आपको ले चलते हैं कोणार्क सन टेम्पल की ओर, जहाँ पर मौजूद है एक ऐसा व्हील जो आज भी सटीक टाइम बताता है। इस व्हील को सन डायल कहा जाता है
और इसमें 8 मेजर स्पोक्स बने हुए हैं। इस व्हील में 24 घंटों को 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मतलब हर दो मेजर स्पोक्स के बीच का समय 3 घंटे का होगा। बिल्कुल वैसे ही इसमें 8 माइनर स्पोक्स भी हैं जो दो मेजर स्पोक्स के बीच मिलते हैं। ये माइनर स्पोक्स 3 घंटे के टाइम को दो दो 90 मिनट्स के हिस्सों में बांट देते हैं। इस अनोखी घड़ी का साइंस यही खत्म नहीं होता, बल्कि और ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि इस व्हील के एजेस पर बीड्स बनी हुई हैं। हर मेजर और माइनर स्पोक के बीच में 30 बीड्स होती हैं और एक बीड का मतलब होता है 3 मिनट। और इन्हीं सब स्पोक्स और बीड्स का यूज करके हम एक्यूरेटली टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और बात जो आपको हैरान कर देगी कि ऐसी ही एक और सनडायल मंदिर के वेस्ट में बनी हुई है, जिससे कि एक सनडायल से दोपहर तक का समय देखा जा सके और दूसरे सनडायल से दोपहर से शाम तक का समय। अब आप में से बहुत लोगों के मन में यही सवाल आया होगा कि रात में कैसे समय देखा जाता होगा। तो असल में मंदिर में 24 ऐसे डायल्स हैं जिन्हें पहले केवल मंदिर को सुंदर बनाने वाली चीज़ें समझा जाता था, पर इन दो सनडायल्स के पता लगने के बाद यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इनमें से कुछ मून डायल्स भी हो सकती हैं। ऐसी और भी कई अनोखी और चौंकाने वाली साइंटिफिक अप्रोच के साथ बनाए गए मॉन्यूमेंट्स हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्हें देखकर मॉडर्न साइंस भी हैरान है कि कैसे इतने पुराने समय में इतनी एडवांस्ड और सटीक चीज़ें बनाई गई होंगी। भारत के बाहर देखा जाए तो साइंस और टेक्नोलॉजी को सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ है पिरामिड्स। पिरामिड्स पर हर वक्त कोई ना कोई रिसर्च चलती रहती है और नई नई डिस्कवरीज होती रहती हैं, पर आज भी कोई नहीं समझ पाया है कि इन बड़े पिरामिड्स में टनों के भार के पत्थर, जो कि आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से उठाए जा सकते हैं, उस समय कैसे उठाए गए होंगे। इन पिरामिड्स का स्ट्रक्चर कैसे डिज़ाइन किया जाता था और इनका असल उद्देश्य क्या था, ये आज भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आज आपने भारत के उस सुनहरे अतीत और हमारे वेदों की एडवांस साइंटिफिक अप्रोच की एक छोटी सी झलक देखी है। हमारे वेदों में लिखी बातें बहुत साइंटिफिक और सटीक हैं। इन सभी चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए और इनसे सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमें बताई गई कई पौराणिक बातों में साइंस छुपा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा कि गणेश भगवान का सर शिव जी ने अलग कर दिया था, पर बाद में शिव जी ने एक हाथी का सर गणेश जी के सर की जगह लगा दिया। इस बात को भी अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक तरह का एडवांस साइंस ही हुआ। इसे हम आज प्लास्टिक सर्जरी का नाम दे रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हमारे वेदों और ग्रंथों में लिखी हैं जिन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपके इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अपने वेदों और भारत के इतिहास के बारे में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। एंड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।